आईपीएल के 13वें सीजन का पहला डबल हेडर आज से शुरू होगा। पहला मुकाबला दोपहर में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा मैच शाम को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजाह में होगा। सीजन में इन चारों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिनमें 2-2 मैच जीते और 1-1 में हार मिली। ये मैच अब से ठीक 30 मिनट बाद शुरू होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं इस मैच के बारे में अहम जानकारियां। हेड टू हेड में पिछले 3 मैचों की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ राजस्थान ने 3 मुकाबले जीते हैं, वहीं दिल्ली ने भी कोलकाता को पिछले 3 मैचों में शिकस्त दी है। मौसम रिपोर्ट। अबू धाबी में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा, तापमान 20 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं शारजाह में भी आसमान साफ रहेगा, तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच रिपोर्ट। अबू धाबी और शारजाह दोनों जगहों में पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलेगी। टॉस जीतने वाली टीम अबू धाबी में पहले गेंदबाजी और शारजाह में टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। अबू धाबी में पिछले 44 T20 में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 56.81% रहा है। वहीं शारजाह में पिछले 13 T20 में पहले बल्लेबाजी वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 69% रहा है। मैच प्रिडिक्शन। लीग में राजस्थान रॉयल्स का सक्सेस रेट 51.68% है। राजस्थान ने कुल 150 मैच खेले हैं, जिसमें से 77 में उसे जीत मिली है और 71 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सक्सेस रेट 47.50% है। बेंगलुरु ने कुल 184 मैच खेले हैं, जिसमें 86 में उसे जीत मिली है और 94 में हार का सामना करना पड़ा है। 4 मैच बेनतीजा रही। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 के हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।